गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें आपको इंटीग्रेट कर देना है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में आपके मौजूद नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा कि इसका डिफरेंशियल ऊपर आपको मिलने लगे। तो यहाँ पर आप रफली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशियल अगर आप सोचें तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 2, यानी न्यूमरेटर में आपको 2x माइनस 2 मिलना चाहिए। तो 2x माइनस 2 पाने के लिए सबसे पहले 2x पाने के लिए 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें 2x प्लस 6 प्राप्त हो गया। अब हम 2x प्लस 6 को 2x माइनस 2 प्लस 8 हमने ले लिया और इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि 2x माइनस 2 हमें मिलने लगा। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx तो हमने अलग कर दिया और प्लस 1/2 इंटू 8 कांस्टेंट है बाहर कर दिया इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx लिख दिया और इससे आपको फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मिलने लगा और इस टर्म में आपको न्यूमरेटर में 1 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर इंटीग्रेशन इसका हो सकता है। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को क्या कह दें, टी कह दें, तो इसका डिफरेंशियल 2x माइनस 2 dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt। और इंटीग्रल आपका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल रिड्यूस हो रहा है 1/2 इंटू 1 अपॉन टी dt के रूप में। और फिर अगला टर्म आप देखें यहाँ पर 1/2 से 8 कैंसिल हुआ और 4 आ गया 1 अपॉन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप जानते हैं कि ए स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की वैल्यू तो हमने यहाँ से लिखी 2, a की वैल्यू यहाँ पर h और b का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि मिडिल टर्म आपका सेटिस्फाइड करे, तो b की वैल्यू यहाँ पर 1 रखने पर ही मिडिल टर्म सेटिस्फाइड हुआ, b की वैल्यू 1 हो गई। सो b स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 का स्क्वायर और इसको जो है यहाँ पर देखा बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 मिली 1 का स्क्वायर और इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस 1 का स्क्वायर और ऑलरेडी आपका माइनस 5 यहाँ पर मौजूद है और कि अब आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा इंटीग्रल आ रहा है 1/2 1 अपॉन टी का लॉग टी हो गया और प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप और माइनस 1 माइनस 5 मिलकर माइनस 6 होगा जिसको हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर लिख दिया जो कि फार्मूला आपको दिखाई पड़ने लगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आपको मिला 1/2 लॉग टी प्लस 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप जानते हैं फार्मूला है आपके पास है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए जिसमें हमने वैल्यूज को रख दिया और आपको मिला 1/2 लॉग टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इसको सॉल्व करने पर 2 अपॉन रूट 6 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो गया। आप ऐसे टर्मों को जिसमें न्यूमरेटर में जो है उसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वहाँ पर ऐसे ही एडजस्ट करके तब आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे।